स्वागत है आप लोगों का द अर्थोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो पोस्ट ऑफिसेज हैं उनकी आखिर हिस्ट्री क्या रही है और ये आखिर वर्क कैसे करते हैं। इस बारे में आज हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलो यार शुरू करते हैं। एक बार अगर हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की हिस्ट्री की, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 15 अगस्त 1972, यानी कि 15 अगस्त 1972 के बाद से ही पोस्ट ऑफिस की स्टार्टिंग हुई थी। मतलब इस दिन के बाद से ही हम लोग चिट्ठियां जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और लाना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इसकी स्टार्टिंग किसने की थी। तो इसकी स्टार्टिंग करने वाले जो शख्स हैं उनका नाम था श्रीराम भीका जी, यानी कि जो ये जो आप स्क्रीन पे जो इंसान को देख सकते हैं, इन्होंने ही पोस्ट ऑफिस की स्टार्टिंग की थी, यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले स्टार्टिंग की थी 15 अगस्त 1972 में। और जो ये पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में ये पूरी बॉडी काम करती है, जो कि ये गवर्नमेंटल बॉडी है। ये मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है कि इसका मतलब संविधान में इसका पहले से कोई जिक्र नहीं किया गया था, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लिखा गया था। 1950 में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। तो उसके बाद 1972 में इसकी स्टार्टिंग हुई, तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। और जो ये पोस्ट ऑफिस है, इसकी स्टार्टिंग हम लोग आज के दिन तक देखते हैं, भले ही हम लोग पर्सनली कोई चिट्ठी या कोई लेटर ना भेजें किसी अपने पर्सनल इशू के लिए, बल्कि ऑफिशियल यूज़ के लिए आज के टाइम भी पोस्ट ऑफिस का यूज़ होता है। अब जैसे आपको पैन कार्ड बनवाना है तो पैन कार्ड के लिए पोस्ट ऑफिस का यूज़ होगा, कोई भी ऑफिशियली मेल आएगा उसके लिए भी इसका यूज़ होगा, और मतलब कोई भी ऑफिशियल काम होता है गवर्नमेंट के अंडर में, तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस का एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है पोस्ट ऑफिस। और ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा सारे लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराता है, जो कि नौकरियां भी देता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारी इकोनॉमी और हमारी कंट्री के लिए। आप लोग कह रहे होंगे कि आखिर अभी इस वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे 2022 में पोस्ट ऑफिस को पूरे 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इसलिए ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू बन जाता है आप लोगों के UPSC और स्टेट PSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों को एक इसके बारे में ओवरऑल पता होना ही चाहिए, तो इसलिए ये वीडियो बनाना थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा मुझे। अब हम बात करते हैं आखिर ये पोस्ट ऑफिस एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। अब आपने कोई भी एक मेल या चिट्ठी किसी भी एक पोस्ट ऑफिस में दी और वो दूसरे आपके किसी इंसान के पास कैसे पहुँच जाती है, आखिर ये एग्जैक्टली ओवरऑल वर्क कैसे होता है, तो इसके लिए इसको वर्क कराने में एक मेजर रोल प्ले करता है जनरल पोस्ट ऑफिस, यानी कि एक जनरल पोस्ट ऑफिस आप ऐसे मान सकते हो इन सारे पोस्ट ऑफिसेस का हेड जो होता है, यानी कि जहाँ से ये सारे के सारे पोस्ट ऑफिस कंट्रोल किए जाते हैं, जो मेन ब्रांच होती है इन पोस्ट ऑफिसेस की, तो उसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में लेटर पहुंचा के वहाँ के जो लोकल सर्वमैन है वो फिर उस पर्टिकुलर इंसान तक उस लेटर को पहुंचाते हैं। तो एग्जैक्टली इस तरीके से कुछ हमारा पोस्ट ऑफिस वर्क करता है। अब हम बात करते हैं आखिर ये पोस्ट ऑफिस पे ये जो कोड लिखा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने ये कोड देखा होगा लिखा होगा 6 लेटर्स का, आखिर ये एग्जैक्टली क्या डिटरमाइन करता है, आखिर ये दिया कैसे जाता है ये कोड, पिन कोड जो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर ये 6 डिजिट का जो ये कोड है ये आखिर वर्क कैसे करता है एग्जैक्टली, तो वीडियो में बने रहिए। लोगों को पता है कि हमारा जो पिन कोड होता है वो 6 डिजिट का होता है, तो 6 डिजिट का जो पिन कोड होता है इसके जो पहले दो नंबर वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे स्टेट को, किसी भी स्टेट को। अब जो नंबर है पहले दो नंबर किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकते हैं, 1 से लेके 1, 2 से स्टार्ट होंगे या 2 या फिर 2, 3 से स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब किसी भी कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो इनको जो स्टार्ट करने की कैटेगरी है वो भी डिवाइड कर रखी है, जैसे कि अगर 1 या 2 से स्टार्ट हो रहा है तो वो जो स्टेट होगी जिस स्टेट में मतलब मेजरली जिस स्टेट का पिन कोड होगा तो वो नॉर्दर्न स्टेट होगी जिसका स्टार्टिंग 1 या 2 से हो रही है, और जिसकी स्टार्टिंग 3 या फिर 4 से हो रही है
वो जो होगी वो होगी हमारी वेस्टर्न स्टेट, ठीक है। और अगर कोई वो स्टार्ट जो हो रही है वो 5 या 6 से या फिर 7 या 8 से स्टार्ट हो रही है, 5 या 6 से स्टार्ट होने वाली है साउथ सदर्न स्टेट, और 7 या 8 से स्टार्ट होने वाली है ईस्टर्न स्टेट, जो हमारी ईस्ट इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो, यानी कि मतलब इंडिया के हिसाब से ही वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, इन कैटेगरी वाइज हमने डिवाइड कर रखा है। और कुछ जो पिन कोड होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 9 से भी, मतलब 9 जो है लेटर उससे भी कुछ पिन कोड स्टार्ट होते हैं। वो पिन कोड मेजरली दिए जाते हैं आर्मी पर्सनल्स को, यानी कि जब किसी आर्मी पर्सनल के पास कोई भी लेटर जाता है या फिर उसके एक पर्टिकुलर रीजन में एक कोई भी लेटर जाता है तो जो उसका पिन कोड है वो स्टार्ट होता है 9 से। अब जैसे हम बात करते हैं यूपी की, हमारे यहाँ का पिन कोड है 2072-49, तो यानी कि जो स्टार्टिंग हो रही है इसकी 2 से, तो 2 यानी कि हमारा जो स्टेट है वो है नदन स्टेट, यानी कि यूपी जो है, यूपी एक नॉर्दर्न स्टेट में आता है। तो ऐसे ही करके आप लोगों की स्टेट का भी जो है पिन कोड डिसाइड होता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके यहाँ का पिन कोड क्या है, देखते हैं कौन कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहा है। अब आप लोगों ने देख लिया कि जो पहले के जो लेटर्स होते हैं वो जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, 1 या 2, पर 1 वाला तो मान लो ज्योग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करता है, और तो 2 वाला जो है, 2 जो रिप्रेजेंट करता है वो स्टेट को, किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है मेजरली, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड लेटर है हमारा, ठीक है, थर्ड लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, थर्ड लेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग थर्ड लेटर होगा। अब जैसे हमारे यहाँ का है 27 है हमारे यहाँ का, तो 7 जो है, 7 एक हमारे यहाँ का, ये मतलब 8 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रीजन होंगे उन सबका थर्ड लेटर जो होगा वो 7 से स्टार्ट होगा, और कहीं का भी जो होगा वो 1, 2, 3 मतलब 7 के अलावा और कहीं से स्टार्ट होगा, पर जो 8 का है मेनली वो 7 से ही स्टार्ट होगा। ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आखिर एग्जैक्टली नंबर क्या है। और जो लास्ट के जो 3 डिजिट आप लोग देखोगे वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पोस्ट ऑफिस को, मतलब कि पहले 3 हो गए, पहले 2 हैं वो, पहला वाला जो है वो किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ठीक है। दूसरा जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट के जो 3 है वो किसी भी पोस्ट ऑफिस को, लोकल एरिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर हमारा पिन कोड वर्क कैसे करता है, आखिर ये क्यों 6 डिजिट का होता है, और आखिर हमारा जो पूरा पोस्ट ऑफिस है इसकी पूरी हिस्ट्री आप लोगों ने जान ली। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताओ अपना पिन कोड, और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं किया है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।